हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रेगुलर लैंग्वेजेस रिवर्सल के अंडर भी क्लोज हैं कि नहीं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक लैंग्वेज एल है, दैट सेज दैट कि स्टार्टिंग विथ ए बी, सो दिस इज दी लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग्स होगी, दोज स्ट्रिंग्स विल बी ए बी एंड ए बी ए बी बी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है। सो लेट्स टेक की लेट्स से कि हम इसका एक डीएफए बनाते हैं। सो इफ आई गेट ए, लेट्स मूव टू द क्यू वन स्टेट। इफ आई गेट बी, लेट्स मूव टू द क्यू टू स्टेट। क्यू टू स्टेट में अगर ए और बी आता रहेगा तो हमसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मिनिमम लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो टू है और ये यहाँ से एक्सेप्ट हो रहा है। नाउ उसके बाद मान लीजिए कि हमारा एक बी आ जाए अगर स्टार्टिंग में, सो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, नॉन फाइनल स्टेट में जाएगा। और अगर ए के बाद अगेन ए आ जाए तो भी ये नॉन फाइनल स्टेट में जाएगा, या ये डेड स्टेट है। और इस डेड स्टेट में ए और बी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी स्टेट में रहेंगे। तो रिवर्सल अगर मान लीजिए कि इसका मैंने हम किस तरह से प्रूव कर रहे हैं इसको, कि अगर हमारा डीएफए एग्जिस्ट करता है रिवर्सल के लिए, तो हम कहेंगे कि रिवर्सल में क्लोज है रेगुलर लैंग्वेज। तो दिस इज दी लैंग्वेज विच इज रेगुलर, उसके लिए हमने एक डीएफए ऑलरेडी बना लिया है। अब ये जो डीएफए, जरूरी नहीं कि ये डीएफए ही हो, ये एप्सिलॉन एनएफए भी हो सकता है, एनएफए भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सही है ये। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसी ऑटोमेटा से एक दूसरा ऑटोमेटा बनाते हैं, जिससे कि फाइनल स्टेट से एक ट्रांजिशन बना देते हैं, एप्सिलॉन ट्रांजिशन। सो लेट्स से हमारे पास Q2 स्टेट जो कि फाइनल स्टेट थी, उसको हम फाइनल स्टेट नहीं मानेंगे। लेट से हमारे पास एक Q4 स्टेट है, वो फाइनल स्टेट है, और हमने एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन बना दिया यहाँ से। देन Q3 और बाकी सारे ट्रांजिशन हमारे वही रहेंगे, यहाँ B है, यहाँ A, और यहाँ ए बी, और यहाँ पे भी ए बी है। ओके, सो स्टेप वन में हमने एक फाइनल स्टेट जो हमारा था, उस फाइनल स्टेट से एप्सिलॉन ट्रांजिशन बना के एक नई फाइनल स्टेट हमने क्रिएट कर दी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो इनिशियल स्टेट है उसको फाइनल स्टेट बना देते हैं, और जो फाइनल स्टेट है उसको इनिशियल स्टेट बना देते हैं। सो लेट्स से ये Q0 स्टेट है, जिसको हमने फाइनल स्टेट बना दिया। एंड देन Q1 स्टेट ऐसे रहेगा, Q2 स्टेट ऐसे रहेगा, और ये जो Q4 स्टेट है उसको हमने इनिशियल स्टेट बना दिया। जो ट्रांजिशन है तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांजिशन हैं उसको रिवर्स कर देंगे। सो Q1 से A, Q3 से A, और Q3 से B हमने बना दिया। इसमें हम A और B को रिवर्स करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी स्टेट पे आएगा। Q2 से B स्टेट, एंड देन यहाँ से एप्सिलॉन, और यहाँ से A और B। सो दिस इज दी ऑटोमेटा आफ्टर रिवर्सल। तो अगर आप इसको देखेंगे कि ये ऑटोमेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस रिप्रेजेंट्स कि B से मतलब AB से स्टार्ट ना होने वाला जो ऑटोमेटा है वो इसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लैंग्वेज है वो रिवर्स हो गई। फाइन, सो ये जो लैंग्वेज है वो रिवर्स हो गई, और ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है दिस इज फॉर द लैंग्वेज रिवर्स। सो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि डीएफए को रिवर्स करने से, या डीएफए का रिवर्सल करने से जो फाइनाइट ऑटोमेटा हमें मिला, दैट इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द लैंग्वेज रिवर्स। सो हेंस वी कैन से दैट The regular languages are closed under reversal. अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में केवल एक फाइनल स्टेट था। हम ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पे मल्टीपल फाइनल स्टेट हो, सो आइए वो एग्जाम्पल भी लेते हैं। ओके, सो दिस इज द ऑटोमेटा इन विच वी आर सीइंग दैट कि ये बता रहा है कि अगर हमारा स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होता है तो वो बी पे एंड हो, और अगर वो बी से स्टार्ट होता है तो ए पे एंड हो। तो इसमें देख सकते हैं आप कि सी और ई दो फाइनल स्टेट्स हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फाइनल स्टेट की संख्या दो है उसको हम एक ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से कि सी जो है स्टेट अब फाइनल स्टेट नहीं मानेंगे, और ये जो ई है उसको भी हम फाइनल स्टेट नहीं मानेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक नया फाइनल स्टेट बना देते हैं, लेट्स से वो एफ फाइनल स्टेट है। तो ई से एक ट्रांजिशन बना देते हैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन जो फाइनल स्टेट एफ पे जाता है। सिमिलरली सी से एक फाइनल स्टेट पे ले जाने वाला एप्सिलॉन ट्रांजिशन बना देते हैं। बाकी सारे ट्रांजिशन वैसे ही हैं, हम उनको वैसे लिख देते हैं लाइक दिस। एंड हियर इट इज बी, हियर इट इज बी, हियर इट इज ए, एंड हियर इट इज बी एंड ए। सो पहला स्टेप तो हमने परफॉर्म कर लिया। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी इनिशियल स्टेट है उसको फाइनल स्टेट बना देंगे, और जो फाइनल स्टेट है उसको इनिशियल स्टेट बना देंगे। तो यही काम हम कर देते हैं। जो एफ स्टेट है उसको हम लोग बना देते हैं इनिशियल स्टेट, और जो ए स्टेट है जो कि इनिशियल स्टेट था हमने उसको फाइनल स्टेट बना दिया। अब जितने भी ट्रांजिशन इसको रिवर्स कर देता हूँ। सो लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। इसको रिवर्स करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसको भी रिवर्स करने से कोई फायदा नहीं होगा। लाइक दिस वी आर रिवर्सिंग, एंड देन लाइक दिस वी आर रिवर्सिंग। नो इफेक्ट, बी को यहीं रहने देते हैं और ए को यहीं रहने देते हैं, और एफ से एप्सिलॉन ट्रांजिशन रिवर्स कर रहे हैं, और एफ से एप्सिलॉन ट्रांजिशन हम रिवर्स कर रहे हैं। ये जो हमने ऑटोमेटा बनाया, ये दिस विल बी दी ऑटोमेटा फॉर दी लैंग्वेज रिवर्स। सो सिंस दी फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट फॉर दी लैंग्वेज रिवर्स, सो वी कैन से दैट दी रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर रिवर्सल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।